तो आज मैं एक्सप्लोर करूंगा अपना शहर ठाकर द्वारा, और वीडियोस में बने रहना लास्ट तक, जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको अपना शहर एक्सप्लोर करूंगा और बताऊंगा कि आप लोग अगर मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो वो अपना रास्ता भी बताऊंगा, आप लोग कहां से आ सकते हैं मिलने के लिए मुझसे, तो पूरा बताऊंगा। और तो मैं हूं इस वक्त अपने घर, और मैं निकल रहा हूं अपने घर से, और जो आप बड़ा वाला घर देख रहे हैं वो भी हमारा घर है, और एक घर ये है अपना, और अभी निकलते हैं हम लोग ठाकर द्वारे के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लोर करूंगा अपना शहर ठाकर द्वारा। तो अभी जिस जगह पे हूँ मैं, ये ठाकर द्वारा यहाँ से शुरू होता है, और आप अगर ये साइड से जाते हैं तो आपको काशीपुर का रोड मिलेगा, और मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ से अपना ठाकर द्वारा शुरू होता है। तो आज बने रहना वीडियोज़ में, अपना शहर कवर करूँगा पूरा आप लोगों को, जो जो भी यहाँ की फेमस मार्केट और होटल्स वगैरह जो जो चीज़ भी यहाँ की फेमस है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर आप लोग मुरादाबाद साइड से आ रहे हैं तो अगर आप जब ठाकर द्वारे में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क मिल जाएगा, और आप ये साइड से जाएंगे तो आपको उत्तराखंड साइड ये रोड लेके जाएगा, काशीपुर रामनगर भी जा सकते हैं यहीं से ही, जिम कॉर्बेट। और आप अगर ठाकर द्वारे में मार्केट में जाना चाहते हैं अंदर की साइड, तो आपको ठाकर द्वारा यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर, जो मार्केट है, जो यहाँ से आपको सुरजेनगर जसपुर ये रोड लेके जाएगा आपको जसपुर। और ये देख सकते हैं जब आप लोग तिकोनिया पर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आई लव हमारा ठाकर द्वारा, बस स्टैंड है ये सामने तिकोनिया बस स्टैंड। अगर आप लोग काशीपुर से आते हैं तो आपको बस यहाँ छोड़ेगी, अगर आप लोग ये साइड में ठाकर द्वारा मार्केट में जाएगा ये रास्ता। तो आज मैं ठाकर द्वारे की मार्केट एक्सप्लोर करूंगा, तो अंदर चलते हैं ठाकर द्वारा मार्केट में ये साइड से, ये कबीर तिराहा है यहाँ का। वीडियोस में बने रहना लास्ट तक, जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको अपना शहर एक्सप्लोर करूंगा और बताऊंगा कि आप लोग अगर मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो वो अपना रास्ता भी बताऊंगा, आप लोग कहां से आ सकते हैं मिलने के लिए मुझसे। तो अभी हूं मैं यहां के जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बहुत ही करीब ठाकर द्वारे का जो तिकोनिया बस स्टैंड है, तो वहां पे हूं मैं। अगर आप लोग कभी या मुरादाबाद साइड से या आप लोग ठाकर द्वारा साइड काशीपुर साइड से आ रहे हैं तो आते हैं और यहां का फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो आज बताता हूं यहां की जो जो फेमस होटल्स हैं आपको। एक होटल मिल जाएगा आपको खाना खजाना, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये होटल यहाँ का, आप लोग यहाँ भी रुक सकते हैं, खाना खजाना रेस्टोरेंट, और यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और एक दूसरा होटल्स बताता हूँ मैं आप लोगों को, आप अगर इसके ही सामने अगर आप लोग जाएंगे तो सामने ही आप लोगों को नूर करीम होटल मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का ठाकर द्वारे का। सामने आपको नूर करीम होटल मिल जाएगा आप लोगों को, ये देखिए नूर करीम होटल, और ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मुस्लिम होटल है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ का टेस्ट बहुत प्यारा है। तो अब चलते हैं उस ठाकर द्वारे की मेन मार्केट में, और इस मार्केट में जो जो चीज़ भी फेमस है आप लोगों को वो दिखाते हैं, और इस मार्केट में आप लोगों को चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस मिलेगी, संजीव स्वीट्स और यहाँ पे सगुन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आप लोगों को वहाँ का कुछ ना कुछ फास्ट फूड ट्राई करूँगा और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या है वहाँ पे। यहाँ से जो ठाकर द्वारे की मेन मार्केट है तो अंदर चलेंगे, और ये वही रोड है जो मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पे, जो आपको रोड बताया था आपको, ये रोड आपको सुरजेनगर शरीफ नगर सब में लेके जाएगा ये जो रोड है आपको, और ये यहाँ से काफ़ी जगहों पर जा रहा है ये। और अभी मैं जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपना शहर ठाकर द्वारा, तो अभी अंदर मार्केट में चलते हैं और पूरा ठाकर द्वारा एक्सप्लोर करते हैं।
आप लोगों ने ये जो मार्केट देखी, और तो अभी आप उस मार्केट से आएंगे तो थाने के बहुत ही करीब आपको यहाँ पे सगुन स्वीट रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का। तो यहाँ का कुछ ना कुछ फास्ट फूड ट्राई करेंगे, यहाँ की पानी पूरी, टिक्की, गोलगप्पे और यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं हम लोग और उसका टेस्ट दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। और तो ये है सगुन स्वीट रेस्टोरेंट फास्ट फूड एंड कॉर्नर। तो अभी हम लोग यहाँ का कुछ ना कुछ फास्ट फूड ट्राई करेंगे और अंदर चलते हैं इसके। तो अभी मिलवाता हूँ, मेरे साथ हैं हमारे भूमित भाई और हमारे राहुल भाई, और यहाँ का टेस्ट देखते हैं कैसा है। आज हम लोग यहाँ का ट्राई करने वाले हैं समोसा छोले। तो मेरा तो हो गया डन, क्योंकि मैं अभी खाना खा के आया था। तो अभी हमने यहाँ पे ट्राई किया था छोले और समोसा, तो उसका टेस्ट अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। तो अभी हम लोग लेके चलते हैं आप लोगों को संजीव स्वीट, और यहाँ की जो जो भी चीज़ फेमस है आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और उसका रिव्यू देते हैं कैसा है और कैसा लगा राहुल भाई और भूमि। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का स्वीट्स ट्राई करना। तो अभी हम लोग चलते हैं संजीव स्वीट्स और वहाँ का टेस्ट देखते हैं कैसा है, और बाकी यहाँ पे काफी फेमस मार्केट है ये वाली यहाँ। संजीव स्वीट्स और आज यहाँ का रिव्यू देखते हैं कैसा है। अभी जैसे कि मैंने अभी गया था सगुन रेस्टोरेंट पे और वहाँ का रिव्यू दिया था, तो अभी मैं संजीव स्वीट्स पे आ गया हूँ और यहाँ का कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। और अभी वहाँ पे समोसे ट्राई किया था, यहाँ पे कुछ स्वीट्स ट्राई करते हैं और उसका रिव्यू देते हैं कैसा है। तो यहाँ पे बैठे हैं संजीव स्वीट्स पे और वेटिंग में बैठे हैं, क्योंकि यार नंबर नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है अंदर, ये देखिए। तो यहाँ पे वेटिंग में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। अब अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं संजीव स्वीट्स का रसमलाई, और ट्राई करते हैं इसका टेस्ट, देखते हैं यार कैसा है। और काफ़ी प्यारा देखने में तो लग रहा है, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो मैं हूँ इस वक्त ठाकर द्वारे की फेमस संजीव स्वीट्स पे, और यहाँ का भी हम लोगों ने रसमलाई ट्राई किया है, जो काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। और मैं इसके एड्रेस की मैं बात करूं तो ठाकर द्वारा, जब आप कोतवाली आएंगे थाने के पास तो उसके ही पास में है आपको ये संजीव स्वीट्स। और ये देख सकते हैं हमारा प्यारा ठाकर द्वारा, और यहाँ पे है एक टंकी भी, जो आप लोग अगर ये साइड से आएंगे ना ऊपर, जो कोतवाली थाना है यहाँ पे, तो अगर थोड़ा आप ऊपर आएंगे तो इसको, ये पहले बस स्टैंड था जो कभी पहले था, अभी तो यहाँ पे कुछ और कुछ पार्किंग जैसा कुछ कर दिया है यहाँ पे कुछ। आप लोग भी ठाकर द्वारा शहर से हैं तो कमेंट करो वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ ठाकर द्वारे में, और पूरा ठाकर द्वारा एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों को, जो जो चीज़ भी ठाकर द्वारे की फेमस है तो पूरा एक्सप्लोर करूँगा ठाकर द्वारे को। अगर आप लोग भी ठाकर द्वारा शहर से हैं तो कमेंट करें वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और संजीव स्वीट्स के ही पास में आप लोगों को जो ठाकर द्वारे की बहुत ज़्यादा फेमस है अंडे की पकौड़ी, तो यहाँ की है राज पकौड़ी सेंटर और रेस्टोरेंट, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की पकौड़ी। पहले वहाँ था उनका होटल जो टूट गया है अभी। मैं हूँ ठाकर द्वारे के उस फेमस प्लेस पे जिसका नाम ढाल है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है ठाकर द्वारे का। और यहाँ पे सुबह सुबह आपको यहाँ पे हलीम चावल, बिरयानी, कोफ्ते, यहाँ बहुत ये चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सैटरडे के दिन, जो यानी हफ्ते के दिन, बाज़ार भी लगता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो मार्केट यहाँ पे, जो सुबह सुबह एक मार्केट लगती है हलीम चावल कोफ्ते, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली उसका ब्लॉग भी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा, उसके लिए सुबह सुबह आना पड़ेगा, सुबह 6 बजे से 8-9-10 बजे तक यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है जो हलीम चावल की मिलती है।
और ये पूरा एक्सप्लोर करूंगा मैं आप लोगों को। और अभी चलते हैं, ये लास्ट प्लेस था मेरा और अभी चलते हैं हम लोग ये साइड से। तो अब निकलते हैं यार हम लोग घर और काफ़ी ज़्यादा थक गए ठाकुर द्वारे की, जो अभी पूरा एक्सप्लोर कर दिया जो ठाकुर द्वारे की फेमस प्लेस थे। और अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर से कंटिन्यू नए ब्लॉग के साथ।